हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं हेमंत राजपुत्र, आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। सो गाइस, इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपने यहां पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है जिरोधा प्लेटफॉर्म से, ठीक है, जिरोधा का जो मोबाइल एप्लीकेशन है क्वाइन, उससे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप लमसम कर सकते हैं और SIP भी कर सकते हैं, ठीक है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप उसको SIP किया हुआ है उसको कैंसिल करना चाहते हैं या फिर लमसम किया हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और उसको कुछ अमाउंट आप विड्रॉल करना चाहते हैं या पूरा अमाउंट विड्रॉल करना चाहते हैं जितना आपका लमसम हो चुका है, ठीक है, उसको आप किस तरीके से विड्रॉल कर सकते हैं, अपने बैंक अकाउंट में किस तरीके से ट्रांसफर कर सकते हैं, इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, जो जिरोधा का जो मोबाइल एप्लीकेशन है म्यूचुअल फंड के लिए, वो है क्वाइन। तो मैंने क्वाइन मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। सो दोस्तों, यहाँ पर आप आएंगे इन्वेस्टमेंट पे, तो यहाँ पर आपको जितना भी इन्वेस्टमेंट होगा आपका यहाँ पर वो दिख जाएगा। और यहाँ पर आपका SIP का ऑप्शन है, SIP पर आप क्लिक करेंगे तो जितना भी आपने SIP किया होगा वो आपका SIP यहाँ पर आपका दिख जाएगा, ठीक है। और ऑर्डर्स पर आपको यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका ऑर्डर दिख जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ है HDFC फ्लैक्सी कैप फंड दिया हुआ है, HDFC स्मॉल कैप फंड दिया हुआ है और यहाँ पर SIP दिया हुआ है। देख सकते हैं ये 3 SIP दिए हुए हैं, ठीक है। अब किसी भी SIP को अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं, रुपए को विड्रॉल करना चाहते हैं, तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों, ये देख लेते हैं कि ये वाला दिया हुआ है HDFC फ्लैक्सी कैप फंड। अब मैं इस फंड को, इस जो म्यूचुअल फंड है SIP है, उसको मैं कैंसिल करना चाहता हूँ। अगर आप मॉडिफाई करना चाहते हैं तो मॉडिफाई का ऑप्शन नीचे मिल जाता है, तो वहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं। आपको बगल में यहाँ पर 3 पॉइंट दिख रहे हैं, उस पर आपको क्लिक करना है। तो अगर आप कुछ समय के लिए पॉज करना चाहते हैं तो पॉज कर सकते हैं। अगर आप डिलीट करना चाहते हैं यानी कि कैंसिल करना चाहते हैं तो डिलीट पर आप क्लिक कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा डू यू वॉन्ट टू डिलीट दिस SIP, यस पर हम लोग क्लिक कर देंगे तो SIP डिलीटेड, दैट मीन्स हमारा जो SIP है वो कैंसिल हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर केवल 2 SIP दिख रहा है। अब यहाँ पर हम लोग आएंगे पोर्टफोलियो पर। अब पोर्टफोलियो पर आने के बाद आप यहाँ पर कुछ रुपए विड्रॉल करना चाहते हैं या पूरा करना चाहते हैं तो विड्रॉल कर सकते हैं। जैसे कि ये दिया हुआ HDFC फ्लैक्सी कैप फंड, इसमें जो SIP था वो मैंने कैंसिल कर दिया है। अब इसका जो अमाउंट है उसको मैं विड्रॉल करना चाहता हूँ तो कैसे कर पाऊँगा, तो मैंने इसको ओपन कर लिया है। यहाँ पर आपको सबसे नीचे 3 पॉइंट दिख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रिडीम का ऑप्शन दिया हुआ, तो इस आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। आज जैसे कि यहाँ पर मेरा तो अमाउंट अभी 100 रुपये के लगभग है, ठीक है। अगर आपका यहाँ पर ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल आपका 1 लाख हो गया, 2 लाख हो गया, 5 लाख, 10 लाख हो गया, उसमें से कुछ अमाउंट विड्रॉल करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ यूनिट्स आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि मेरा अमाउंट छोटा है तो मैं यहाँ पर नीचे कर लेता हूँ रिडीम ऑल यूनिट्स, इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ तो जितना रुपये का होगा वो हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं रिडीम पर मैं क्लिक कर देता हूँ, तो ये पूछ रहा है डू यू वॉन्ट टू रिडीम, तो मैं रिडीम पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। अब यदि यू हैव टू ऑथराइज द CDSL, तो हम लोग कंटिन्यू पर क्लिक कर लेते हैं। अब दोस्तों, आपको CDSL से ऑथराइज करना पड़ेगा, ठीक है। सो गाइस, यहाँ पर कंटिन्यू टू CDSL पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अगर आपको यहाँ पर जो टीपिन है वो भूल गए हैं तो यहाँ पर फॉरगॉट CDSL टीपिन पर क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पर आप उसको रिसेट कर सकते हैं। मैंने कंटिन्यू टू CDSL पर क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पर जो टीपिन है वो उसको मैं फिल करके नीचे वेरीफाई पर मैं क्लिक कर देता हूँ। सो गाइस, यहाँ पर मैंने फ्लिक कर दिया है तो यहाँ पर OTP आएगा, तो OTP हमारा आ चुका है। यहाँ पर OTP का हम लोग देख लेते हैं, 521601 यहाँ पर मैं फिल कर देता हूँ और नीचे वेरीफाई पर मैं क्लिक कर देता हूँ। सो दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ CDSL ऑथराइजेशन कंप्लीट हो चुका है, तो ओके पर हम लोग क्लिक कर देते हैं। अब नीचे हम लोग रिडीम पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। रिडीम पर क्लिक कर देते हैं और जो रिडीमसन रिक्वेस्ट प्लेस्ड हो चुकी है, ठीक है। अब हमारा जो रिक्वेस्ट है वो प्लेस्ड हो चुकी है, हम लोग बैक आ जाते हैं। और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑर्डर पर जाके आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने सेल कर दिया है। सो दोस्तों, यहाँ पर इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है T+2 वर्किंग डेज, ठीक है। तो हमको यहाँ पर T+2 वर्किंग डेज लग जाएगा, आपको थोड़ा सा वेट करना है और आपके बैंक अकाउंट में रुपये आ जाएगा। जो भी बैंक अकाउंट आपका जरूरत से लिंक होगा उसी बैंक अकाउंट में आ जाएगा, आपको थोड़ा सा वेट करना है और आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। सो गाइस, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर क्वाइन मोबाइल एप्लीकेशन में यहाँ पर हम लोगों ने विड्रॉल रिक्वेस्ट लगाया हुआ था म्यूचुअल फंड में 97.98 रुपीज़ का, ठीक है। और ये हमको रिसीव हो चुका है, देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने ओपन किया मैंने अपना योनो मोबाइल एप्लीकेशन और देख सकते हैं कि मुझे 97.98 रुपीज़ यहाँ पर रिसीव हो चुका है, ठीक है। सो दोस्तों, इस तरीके से आप यहां पर विड्रॉल कर सकते हैं रुपए को और यहां पर अपना जो SIP उसको कैंसिल कर सकते हैं और जो उसको सेल करके रुपए विड्रॉल करना चाहते हैं तो इस तरीके से विड्रॉल कर सकते हैं। सो दोस्तों, मैंने इस वीडियो में आपको बताया कंप्लीट प्रोसेस कि आप किस तरीके से करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।